प्रमोट मिडिल स्कूल में इस समय हम खड़े हैं जी अपग्रेडेशन PS2 MS प्रमोट प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनाया गया जो कि इनॉग्रेशन किया है जुगल किशोर शर्मा ने होने वाले MOS फॉर टूरिज्म 30/4/2005 को 2005 में इस स्कूल की अपग्रेडेशन हुई थी प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल ये बना था तकरीबन 50-60 बच्चों की स्ट्रेंथ है 8th तक ये स्कूल है और मजे की बात हम बताएं ये स्कूल की आप हालत देख रहे हैं जो क्लासरूम में यहां पर बच्चों में बैठना होता है यहां पर टीने पड़ी हैं और छत इसका गायब है। जब हमने यहां के लोगों से बात की कि अगर 8th तक ये स्कूल है तो बच्चे दो क्लासों में दो कमरों में कैसे एडजस्ट होते हैं, बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने। कहा कि कभी बच्चे यहां पर बिठाते हैं, कभी बरामदे में बिठाते हैं, कहीं बाहर बिठा देते हैं, चलो ठीक है धूप छूप होगी, जब बारिश होती है तब बच्चे कहां क्लास लगती है, कभी हम ऑफिस में बिठा देते हैं, कभी एक ही साथ दो क्लास ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य है और सरकार बच्चों का भविष्य अंधेरे में रख रही है। BDC जीते, DDC जीते, सरपंच पंच जीते और यहां के गांव के लोग, हो सकता है यहां के सरपंच भी यहीं से पढ़ के गए हों, लेकिन उनको स्कूल की कोई फिक्र नहीं है। हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं, कुछ यहां के नौजवान हैं, वो बात करेंगे। भैया जी कब से ये स्कूल की ऐसी हालत है? सर लगभग 10 साल हो गए हैं। अच्छा, स्कूल की हालत हुए। अच्छा, इधर 2-3-4 इलेक्शन हुई है। अच्छा। MLA की इलेक्शन हुई है, DDC हुई है, सरपंच पंच की हुई है। अच्छा। सर हर बंदा आता है कि हम करवाएंगे करवाएंगे। अच्छा। करवाता कोई नहीं है। MLA साहब भी आए हैं, DDC साहब, मैगी साहब आए हैं, सरपंच जी आते हैं, देखते हैं, आते हैं, खाली बोलते हैं करवाएंगे, करवाता कोई नहीं है। अच्छा। खाली बोलते हैं आपका काम हो जाएगा। हमारे ऐसे टीचर अच्छे बंदे हैं, टीचर थोड़ी अपने करवा सकते हैं, जो भी करवाएंगे गवर्नमेंट ही करवाना है। 10 साल हो गए, हाँ, कोई यहाँ पर आते हैं सिर्फ। अच्छा, अभी तक कौन कौन आ चुका है? MLA साहब भी आए हैं। अच्छा, DDC साहब भी आए हैं। MLA कौन? अजय नंदा जी। अच्छा, उन्होंने देखा आके बोलते ठीक है हो जाएगा। मैगी साहब आए, उनको भी देखा, वो भी बोलते हैं हो जाएगा। सरपंच भी आते हैं, DDC BDC सब आते हैं। अच्छा, करवाता कोई नहीं है, कोई नहीं करवाता, सब बोलते हैं काम हो जाएगा। अच्छा, 8 क्लास है सर, कम से कम 100 के करीब बच्चा है, 8 टीचर हैं, 2 रूम में तो पढ़ नहीं सकते 8 बच्चे, 8 क्लास। तो फिर ये क्लासें कहाँ लगाते हैं जब? सर एक रूम में भी 3-4 हजार क्लासे होती हैं। अच्छा, यहाँ बरांडे में बैठाते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो बाहर बैठा देते हैं। अच्छा, इतना तो हो नहीं सकता। क्या कहेंगे आपने BDC, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सरकार तो है नहीं, सरकार नहीं है, BDC तो है, DDC भी है, मगर यही कहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल का काम करवाएं। अच्छा, गवर्नमेंट से भी करवाते हैं कहते हैं। अच्छा, देखता तो है कोई, सर बच्चों का भविष्य अंधेरे में है सर, बच्चे इतने, अभी हमारे गांव के बच्चे कुछ बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, हमारे गांव में स्कूल है, इधर से दुनोड़ी जाते हैं, नुमाई जाते हैं, स्कूल हैंड स्पेस नहीं है बैठने के लिए, तो जाना तो है कहीं कहीं। अच्छा, कुछ और अपने बच्चे छोड़ता नहीं है इधर। अच्छा, बिल्डिंग का कोई पता नहीं कब गिर जाएगी। अच्छा, वो देखता तो है नहीं कोई भी। ये मिडिल स्कूल प्रमोट की ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ठीक कैमरे पे, यहाँ पर 8th तक क्लासेस हैं, बट 2 ही क्लासों में पूरी 8वीं क्लास तक समा जाती है, बच्चे छोटे छोटे। बेटा क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। कहाँ बैठते हो? उस वाले रूम में। तो आपने कभी बोला नहीं किसी को हमारा क्लासरूम ठीक करवा दो? नहीं सर। तो क्या नहीं बोला करते? जब बारिश होती है फिर कहाँ बैठते हो? उसी अंदर में बैठते। उस क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 6th उसी में बैठते हैं। पढ़ते कैसे? 6th वाले स्तर बैठे होते हैं, 5th वाले स्तर। एक ही क्लास, एक ही रूम में? 5th वाले स्तर। नहीं, 8th क्लास इधर बैठती है। अच्छा, 8th क्लास इधर बैठती है। नर्सरी उधर बैठती है। दो कमरों में सारी क्लासें होती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? धवन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ बैठते हो? अंदर तो बैठते हो कहाँ? एक ही कमरे में दो क्लासें लगती है या एक कमरे में एक ही क्लास लगती है? एक कमरे दो क्लासें लगती है। तो आपने कभी बोला नहीं किसी को कि हमारा स्कूल ठीक कराओ?
इतना गंदा स्कूल, ये ऊपर से छत टूट गई है, जब बारिश होती तब कैसे बैठते हो? क्या नाम है बेटा आपका? पीहू शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ। सेवन्थ में। तो आपने कभी बोला किसी को हमारा स्कूल टूट गया, हमारे को स्कूल चाहिए? आप एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हो? हाँ, एक कमरे में दो क्लासेस। दो क्लासेस लगती है, तो आप पढ़ पाते हो अच्छी तरह? मिक्स हो जाता होगा ना सर। तो आपने कभी बताया नहीं किसी को कि हमारा स्कूल टूटा हुआ है? आपने बोला नहीं कभी किसी को सर? तो आपको बुरा लगता होगा ना जब आप ऐसा। एक ही क्लास में दो, एक ही कमरे में दो क्लासें लगती हैं। ये बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। एक ही रूम में दो क्लासें लगती हैं। बच्चों से भी सुना आपने, बच्चे थोड़े घबरा गए थे, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी रेनोवेट किया जाए, जो हमारी बिल्डिंग है वो बनाई जाए, जो छत उड़ी है उसे ठीक करवाया जाए। क्योंकि बच्चे आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, आपकी विरासत नहीं मांग रहे, अपने पढ़ने के लिए क्लासरूम मांग रहे हैं। ये मिडिल स्कूल प्रमोट है, और हम आपको बता दें करीबन 10 साल हो गए, इसकी जो छत है वो उड़ चुकी है। जुगल किशोर शर्मा जी ने ये अपग्रेडेशन की थी। ये बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, करीबन 50 पता लगा 100 के करीब यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी बच्चों की। पर 8वीं तक ये स्कूल है, दो ही क्लासरूम्स हैं। यहाँ 8 तक क्लास लगती है, यानी कि एक कमरे में दो क्लासें लगती हैं। वो पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे। बेटा बात करोगे? आप नाम बताओ अपना। जानवी देवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। तो एक ही क्लास में, एक ही रूम में दो क्लासें लगती हैं या सिंगल क्लास लगती है? दो क्लासें लगती है एक रूम में। तो फिर आप पढ़ते कैसे? ऐसे पढ़ लेते हो सर। तो मिक्स नहीं होता उसमें? एक ही रूम में दो क्लासें लगती हैं। टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं कि एक ही टीचर दोनों को पढ़ाते हैं? दोनों सर, एक ही टीचर पढ़ाते हैं। एक ही टीचर दोनों को पढ़ाते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन भी करवाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन 163 प्रमोट, यहाँ पर इलेक्शन भी करवाई जाए। सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, जो एमएलए की इलेक्शन है, उनके वोट यहीं पर डाले जाते हैं, पर उनको वो चीज नहीं दिखती जो यहाँ पर होनी चाहिए। हम आपको बता दें छत स्कूल का बिल्कुल उड़ चुका है, और जब हमने पता लगाने की कोशिश की, एक ही रूम में दो क्लासें लगती हैं, और जिस दिन बारिश होती है, कईयों का ये भी कहना है कि बरामदे में भी बैठकर कभी कभी क्लास लगवा देते हैं, कईयों का कहना है कि ऑफिस में भी कभी कभी क्लास लग जाती है। गौर कीजिए और इस स्कूल को जल्द से जल्द रेनोवेट करवा दीजिए। आप देखते रहे जेके मीडिया। यहाँ की जो स्कूल की जो हेडमास्टर प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, और कब से स्कूल ये टूटा हुआ है, क्या आपने कभी किसी को बताया? मैं रेनू GMS प्रमोट में काम करती हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम 7 साल हो गया काम करते हुए। यहाँ पहले ब्लॉक वाले, फिर बैक टू विलेज वाले काफी लोग आए। अच्छा। उन्होंने एस्टीमेट बनाए, फरमाइश भी लेके गए, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। जब ये बच्चे बारिश के दिनों में नहीं आ पाते हैं, फिर इनके पेरेंट्स ही नहीं भेजते इनको। अच्छा। क्योंकि उनको पता उन्होंने बाहर जाके बैठना है, वो भेजते ही नहीं है घर से। तो हम भी इस बात से परेशान हैं कि कमरे नहीं हैं, बच्चों को हमें बरांडे में लेके बैठना पड़ता है, या फिर जंबल करनी पड़ती है क्लास, सारी क्लास उसको एक साथ काम देना पड़ता है। हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी, कभी आए नहीं, वो भी बड़ी बार आए हैं, तो उनकी तरफ से कोई फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं ना, हमें तो दिखने को दिखा नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इवन की स्टाफ को भी प्रॉब्लम है, स्टाफ ने भी सबने इकट्ठे होके बैठना पड़ता है, फिर क्या आउटपुट आ रही है? अलग अलग कमरे हों, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सब कुछ चले, तो कोई आउटपुट भी आए? बच्चों के बैठने की जगह ही नहीं है, और ये इतनी रिस्की बिल्डिंग है, इधर तो हम बच्चों को वैसे भी बिठा नहीं सकते हैं। कभी यहाँ पे सांप लटक रहे होते हैं, कभी बारिश सारी ऊपर गिर रही होती है। हमने तो बड़ी बार रिक्वेस्ट की है, स्टाफ पूरा है, स्टाफ की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, स्टाफ पूरा है। हाँ जी, क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम अमिता रानी है। तो आप कितने साल से स्कूल में? हाँ, मैं 2003 से यहीं पे हूँ, एज ए थर्ड टीचर आई थी यहाँ। छत ये
कितना साल हुआ? ये 2014 की बात है। अच्छा। जब हाँ समर वेकेशंस थे। अच्छा। तब ये हाँ अच्छा तोड़ा था। हाँ 14 की बात है। उड़ गया था कि तोड़ा था? तोड़ा नहीं था, उड़ा था। हाँ तूफान चला था। हाँ गर्मियों की बात है, समर वेकेशन चल रहे थे तब ये हुआ था। उसके बाद कोई रेख देख करने कोई कुछ आया? कोई रेख देख? हाँ थोड़ा सा जो आता ना हमारा SSA का, फिर हमने दो रूम्स का छत डाला। ये देख रहे है ना, हाँ ये जो सामने आप देख रहे हो, तो फिर बस इतनी सी अमाउंट में इतना ही काम होता है। कोई आया नहीं? नहीं आते हैं, CEO वगैरह है, प्रपोजल तो है। तब जब हमारे CEO साहब थे उन हमसे अप्रोच की थी मैडम, हमारे यही गए थे, रेनू मैम ही गए थे, अप्रोच किया था। तो अभी भी साल हो गया ये छत डालो जो आप अभी हमारे ये BDC चेयरमैन जो है ये सब आए थे JEE को लेके, पैमाइश वगैरह हो रही थी, बट ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ काम हुआ नहीं है। तो ये दो जो आपने दो रूम्स में जो छत डाला कितना साल हो जे हो गए होंगे? 5-6। अब तो SSA नहीं, SSA के होते थे ना 2019 की शायद, अब SSA बंद हो गया। तो उसमें जो साल की हमारी होती थी ना जो ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट, उसमें से ही हमने ये डलवाया है, छत डलवाया टीन के। हाँ ये मेंटेन किया थोड़ा बहुत। तो कितना मुश्किल होता है बच्चों को एक साथ? हाँ बच्चों को बैठाना, हाँ वही आ जाके फिर हम कंबाइन करके बैठाते हैं, थोड़ा परेशानी तो बड़ी होती है। 8th तक स्कूल है। हाँ वो तो है, 8th तक स्कूल है, बट हम तो चाहते हैं इंडिविजुअली हर एक क्लास के लिए अलग अलग से क्लासरूम हो, जहाँ हमारे टीचर आराम से बैठ के। सेटिस्फेक्शन होती है जब आप घर जाते हैं कि हमने पढ़ाया बच्चों को, क्या किया क्या नहीं, सेटिस्फेक्शन होती है? चलो टीचर को तो रिसोर्सफुल होना चाहिए ना, हम तो अपने से पूरा कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ भी पूरा कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है स्टाफ की? हाँ स्टाफ तो अच्छा ही है हमारा, ऐसी बात नहीं है। कमी नहीं है हमारे पास, हमारे यहाँ 7 टीचर है हमारे पास। ये प्रिंसिपल थे, ये 3rd टीचर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी बार इन्होंने भी अप्रोच किया है, लेकिन चलो कहना है कि कुछ होगा। काफी यहाँ पर आए BDC DDC नेता, कोई पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम भी इधर हुआ, जो IAS जो आते थे IAS IPS यहीं पर हुआ है बैक टू विलेज भी, तो लेकिन ये काम नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, शायद हो जाए। आप देखते रहे JK मीडिया।